बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, लेट्स स्टार्ट योर साइंस लेक्चर टुडे। सिक्स क्लास, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स एंड वी आल्सो डिस्कस अबाउट द सर्किट डायग्राम्स। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। यहाँ पे पेज नंबर 53 पे आपके कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दिए गए हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की साइंस जो जब हम सर्किट डायग्राम्स ड्रा करते हैं तो किस तरह से उन्हें ड्रा करेंगे वो भी उनके दिए गए हैं। तो सबसे पहले ये वायर है, वायर को सर्किट डायग्राम में इस तरह से ड्रा किया जाता है। सेल और बैटरी, ये एक सिंगल सेल बैटरी का साइन है, एक स्मॉल लाइन और एक बड़ी लाइन जो कि वायर के साथ अटैच है। लैम्प या बल्ब, ये बल्ब की साइन है, ये लैंप का साइन है। मोटर, इस तरह से हम सर्किट डायग्राम में ड्रा करेंगे। बेल, यूं ड्रा करेंगे। बजर, स्विच, ये हमारी हो गई कि हम इनको इलेक्ट्रिकल सर्किट की इन कंपोनेंट्स को सर्किट डायग्राम में हम इस तरह से शो करते हैं। नेक्स्ट है जी कनेक्टिंग कंपोनेंट्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कनेक्ट द कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट करेक्टली फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो इजीली। सर्किट कनेक्शंस मस्ट बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम ग्रीस एंड डर्ट। कॉपर वायर्स फॉर एग्जांपल सून गेट डल इफ दे आर लेफ्ट फॉर अ वाइल। कनेक्शंस को साफ़ सुथरा होना चाहिए, उनको ग्रीस से पाक होना चाहिए, जंग से पाक होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं होगा तो बिजली प्रॉपरली फ्लो नहीं करेगी और उसमें प्रॉब्लम्स आएगा। नेक्स्ट आपको कुछ स्विचेस के बारे में बताया गया है। देर आर सर्टन स्विच, बेल पुश स्विच होते हैं जो यूजुअली ऑफ रहते हैं, जब उसको पुश किया जाता है तो ही वो ऑन होता है, जब हम इसको छोड़ेंगे तो फिर वो ऑफ हो जाएगा। जैसा कि अक्सर बेल्स होती हैं, आप देखेंगे डोर बेल्स, ऑफिस बेल्स, उसको जब पुश किया जाता है तो वो ऑन होता है, आवाज़ आती है, जब हम उसे छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी पहली सूरत हाल में चला जाता है। रीड स्विच होते हैं, इस तरह के रीड स्विच हमें नज़र आते हैं, और आप ये देखिए इसमें एक फिक्स्ड कांटेक्ट होता है, एक स्प्रिंगी कांटेक्ट होता है, जब और इनको मैग्नेट के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। ये आप इसकी रीडिंग करेंगे। स्विचेस टर्न इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ऑन एंड ऑफ। द स्विच शोन इन द टेबल हैज़ टू पोजीशंस ऑन एंड ऑफ। देयर आर हाउएवर अदर टाइप्स ऑफ स्विच, अ बेल पुश स्विच जो कि जिसके बारे में मैंने बात की कि ये नॉर्मली ऑफ रहता है, जब इसको प्रेस किया जाता है ये उसी वक्त ही ऑन होता है। व्हेन द प्रेशर इज रिमूव्ड अ स्प्रिंगी कॉन्टैक्ट रिटर्न्स द स्विच टू ऑफ। इसमें एक स्प्रिंगी कॉन्टैक्ट होता है जो उसको ऑफ रखता है, जब हम दबाते हैं स्प्रिंग दबाया जाता है तो स्विच ऑन हो जाता है। अ रीड स्विच इज़ ऑपरेटेड बाय अ मैग्नेट। रीड स्विच जो है मैग्नेट के जरिए ऑपरेट किया जाता है। व्हेन अ मैग्नेट इज़ हेल्ड क्लोज टू द स्विच द कॉन्टैक्ट्स क्लोज एंड द स्विच इज़ ऑन। द स्विच इज़ ऑफ व्हेन द मैग्नेट इज़ रिमूव्ड। रीड स्विचेस आर वेरी यूजफुल इन बर्गलर अलार्म सर्किट्स। अ रीड स्विच इज़ फिक्स्ड टू द डोर और विंडो फ्रेम एंड अ मैग्नेट इज़ फिटेड ऑन टू द डोर और विंडो। इफ़ द डोर और विंडो इज़ ओपन द स्विच कॉन्टैक्ट्स ओपन एंड द अलार्म इज़ सेट ऑफ। ठीक है जी, ये रीड स्विच के बारे में है कि ये मकनातीस के ज़रिए ऑपरेट होता है, बर्गलर अलार्म्स में इस्तेमाल किया जाता है। जब मकनातीस के करीब आता है तो स्विच ऑन हो जाता है, जब मकनातीस को हटाया जाता है तो स्विच ऑफ हो जाता है। बर्गलर अलार्म्स में इसको हम यूज़ करते हैं। इसके बाद इसी रीडिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ दी सिंबल फॉर अ बल्ब, अ मोटर, अ बजर एंड अ बेल। ये डायग्राम्स हैं, अ बल्ब, बल्ब की डायग्राम, मोटर, बजर और बेल, ये आपने डायग्राम्स ड्रॉ करनी है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लिस्ट द एनर्जी चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। लिस्ट द एनर्जी चेंजेस, एनर्जी की चेंजेस को लिस्ट कीजिए जबकि जो के इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में होती हैं।
ये जी हमारे क्वेश्चन का आंसर। अ बजर रिंग्स, बजर जो है वो आवाज़ देता है। अ लैम्प लाइटन अप्स, लैम्प जो है वो रोशन हो जाता है। मोटर टर्न्स ऑन, मोटर ऑन हो जाती है। अ बैटरी चार्जेस, और बैटरी जो है वो चार्ज होती है। ये हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के चेंजेस जब उनको बिजली सप्लाई की जाती है या एनर्जी सप्लाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू कीप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स क्लीन, ये क्यों ज़रूरी है कि हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को साफ़ सुथरा रखें। इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मस्ट बी केप्ट क्लीन सो दैट दे डू नॉट कोरोड एंड बिकम रिलायबल एंड लॉन्ग लास्टिंग। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को साफ़ इसलिए रखते हैं कि वो ख़राब ना हों, वो रिलायबल रहें और ज़्यादा अरसे तक हमारे काम आते रहें। व्हाट इज़ द इंसुलेटर बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स ऑफ बेल पुश स्विच व्हेन इट इज़ ऑफ, वो पूछ रहे हैं कि बेल पुश स्विच जब ऑफ होता है तो उसके कॉन्टैक्ट्स को कौन सी चीज़ ऑफ रखती है, क्या चीज़ है जो कि इंसुलेटर है और जो उसे ऑफ रखता है। इसका आंसर है, देयर इज़ ए वैक्यूम बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स के बीच वैक्यूम होता है, जो हम दबाते हैं तो वो कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं, छोड़ते हैं तो वो अपनी असल हालत में वापस आ जाता है। क्वेश्चन 5 है जी, एक्सप्लेन हाउ आर रीड स्विच वर्क्स, बताइए कि रीड स्विच कैसे काम करता है। अ रीड स्विच इज़ ऑपरेटेड बाय अ मैग्नेट, रीड स्विच अब मैग्नेट के ज़रिए काम करता है। When a magnet is held close to the switch, the contacts close. जब मैग्नेट को स्विच के करीब किया जाता है तो कॉन्टैक्ट्स क्लोज हो जाते हैं एंड द स्विच इज़ ऑन, और स्विच ऑन हो जाता है। एंड द स्विच इज़ ऑफ व्हेन द मैग्नेट इज़ रिमूव्ड, जब मैग्नेट को रिमूव कर लें तो स्विच ऑफ हो जाता है। अ रीड स्विच इज़ ऑपरेटेड बाय अ मैग्नेट, व्हेन अ मैग्नेट इज़ हेल्ड क्लोज टू स्विच the controls close and switch is on and the switch is off when the magnet is removed। ये आपके question answers हैं, ये आपने homework करना है।